तारीख 24 अप्रैल 1973, सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट नंबर 29। 13 जजों का एक पैनल एक महत्वपूर्ण केस की निर्णय सुनाने के लिए इकट्ठा। पूरे भारतवर्ष के कानूनविद और कानून के रखवाले, भारत की जनता और सरकार, दोनों ही पक्षों के लोगों का पूरा ध्यान इस केस की तरफ था। क्या निर्णय आने वाला है? यह केस इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इस केस में एक तरफ थी पूरे कानून की लोभी, कानून के रखवालों की लोभी, कानून के जानकारों की लोभी, और दूसरी तरफ था एक हठधर्मी भारत की सरकार जो अपने हित के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए और अपनी राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए एक ऐसा परिवर्तन करना चाहती थी भारतीय समाज में जो उसके अनुसार मुश्किल था। लेकिन कानून विदों की जो विद्वता थी, जो उनकी जानकारी थी और जो उनकी मेहनत थी, वो रंग लाई और एक तानाशाही भारत की सरकार का घमंड को नीचे किया। 703 पेजों की एक रिपोर्ट आई, 7-6 से बहुमत मिला भारत की जनता को, भारत के लोकतंत्र को, भारत के संविधान को, और इस निर्णय से भारत की जनता के उन मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सकी जिसके दम पर आज हम स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन यापन करने के लिए स्वतंत्र हैं, एक सम्मानजनक जीवन। आप समझ चुके होंगे मैं किस केस की बात कर रहा हूं। ये केस है 1973 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। हालांकि ये केरल राज्य का केस था लेकिन इसने भारत के संविधान की एक व्याख्या कर दी। दूसरी तरफ थी हमारी भारत सरकार जिसकी मुखिया थी श्रीमती इंदिरा गांधी। 1967 के चुनाव हो चुके थे और 1967 में ही गोलकनाथ का मामला आ चुका था। गोलकनाथ के मामले में भारत की न्यायपालिका ने कठोर निर्णय लिया था। उन्होंने कहा था कि भारत की संसद को मौलिक अधिकार के साथ छेड़छाड़ करना की कोई अधिकार नहीं है। आर्टिकल 368 उसे यह अधिकार नहीं देता कि वह भारत के संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का हनन कर सके, उसका कम कर सके, उसमें कोई फेरबदल कर सके। लेकिन 1967 में कांग्रेस के विभिन्न राज्यों में जो जनाधार था वो खिसक चुका था, लगभग आधे राज्यों में जनाधार खिसक चुका था, बाकी सरकारें अपना चुनाव हार चुकी थी, इंदिरा गांधी उसकी मुखिया थी। यहां पर उन्हें अपने राजनीतिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव सब प्रतीत हुआ। उन्हें लगा कि कांग्रेस के अंदरूनी लोग भी उनके विरोध में खड़े हो रहे हैं, अब वो इसको अपने हाथ में लेना चाहती थी, अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहती थी, और शक्ति को बढ़ाने का एक माध्यम था कि संविधान में संशोधन कर दिया जाए, और संविधान में संशोधन भी ऐसा जो स्वयं की इच्छा से हो और स्वयं के हित में हो। तानाशाही पूर्ण निर्णय। गोलकनाथ मामले में 1967 में संविधान में मौलिक अधिकारों से छेड़छाड़ करने पर रोक लगा दी गई थी। समाजवाद का बहाना लेकर इंदिरा गांधी भूमि सुधार और पर्यावरण में कुछ सुधार करना चाहती थी और इन दोनों सुधारों को लेकर वो जनता के बीच गई। पहली बार 1971 के चुनावों में संविधान संशोधन एक मुद्दा बना। संविधान संशोधन का यह मुद्दा लेकर वे जनता के बीच गई और सर 1971 के चुनावों में जनता ने उन्हें एक 2/3 बहुमत प्रदान किया। यहां पर श्रीमती गांधी की कोई एहसास हुआ कि जनता उनके साथ है, संविधान में मैं संशोधन कर सकती हूं, और आनंद फानंद में उन्होंने 24वां, 25वां और 26वां संशोधन कर दिया। आपको पता होना चाहिए कि यह संविधान में संशोधन जो किया वो न्यायपालिका की शक्ति को कम करने के लिए किया गया था। न्यायपालिका में एक शक्ति है कि जो भी कानून संसद बनाता है उसका पुनर्वलोकन कर सकता है, उसको अगर वो गलत है तो उसको रिजेक्ट कर सकता है, सही है तो एक्सेप्ट कर सकता है। कई मामलों में हमें ये देखने को मिला है, आगे वीडियोस में बताऊंगा किस तरह
न्यायपालिका भारत के लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए संसद के सामने खड़ी हो जाती है। जब भी किसी सरकार को बहुमत मिलता है, दो तिहाई बहुमत मिलता है, तो वे तानाशाहपूर्ण निर्णय लेने शुरू कर देता है। यही इंदिरा गांधी जी ने किया। 24वां, 25वां, 26वां संविधान संशोधन कर दिया। ये संविधान संशोधन था 24वां गोलकनाथ मामले में, जो शक्ति प्रदान की गई थी न्यायपालिका ने कि आप मौलिक अधिकारों में कोई भी ना तो कमी करेंगे ना ही उसमें कोई परिवर्तन कर सकते हैं। इस विचार, जिस अधिकार से न्यायपालिका ने कहा था, वो अधिकार ही कम कर दिया गया। 25वां बैंकों के राष्ट्रीयकरण का था। उनको छोटे से बॉन्ड देकर, बहुत कम पैसों के बॉन्ड देकर उन्होंने उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। हालांकि फ्यूचर में वो सही निर्णय था, लेकिन उसको करने का जो एक प्रोसेस था वो गलत एडॉप्ट किया गया। वो तानाशाहपूर्ण निर्णय को एडॉप्ट किया गया। 26वां जो भारतीय रियासतों को प्रीवर्स एक सिक्योरिटी मनी दी जाती थी प्रतिवर्ष, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वादा किया था, उसको समाप्त कर दिया गया। हालांकि ये सारे निर्णय केंद्र में पहुंचे तो केंद्र ने न्यायपालिका में पहुंचे तो न्यायपालिका ने इन सारे निर्णयों को पलट दिया था। इंदिरा गांधी खिसियाई हुई थी, अंदरूनी उठापटक चल रही थी उनकी पार्टी में, उधर न्यायपालिका उनके सारे निर्णयों को पलटता जा रहा था, खिसिया गई थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी सोच रही थी मैं किस तरह इस न्यायपालिका को अपने अधीन कर लूं। उसी क्रम में एक केस आया जो फाइल हुआ था केरल राज्य में, और केशवानंद भारती जी ने उसको फाइल किया था। केशवानंद भारती जी एक मठ के संचालक थे और केरल राज्य ने उनको भूमि सुधार के नाम पर उनकी संपत्ति से उनको बेदखल कर दिया गया था। इस केस को लेकर वे केरल हाईकोर्ट गए। केरल हाईकोर्ट में ये केस चल ही रहा था उसी समय इंदिरा गांधी जी ने 29वां संविधान संशोधन कर दिया। 29वां संविधान संशोधन था, केरल का भूमि सुधार का जो कानून था उसे नवी अनुसूची में डाल दिया। नवी अनुसूची में डालने पर उस पर न्यायपालिका पुनर्विलोकन नहीं कर सकती थी। उधर केस चल रहा है केशवानंद भारती जी का, इधर नवी अनुसूची में डाल दिया गया। कोर्ट में पहुंचा ये केस सुप्रीम कोर्ट में। अब जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, फिर वही प्रश्न न्यायपालिका में कानूनविदों के सामने आया कि भारत की संसद को कितना अधिकार है, किस सीमा तक अधिकार है वे संविधान संशोधन कर सकती है, क्या अपने हित के लिए वो कुछ भी कर सकती है। इस बात पर फिर से एक बहस हुई, और बहस होने के बाद 24वां, 25वां और 29वां तीनों ही संविधान संशोधन उसके लपेटे में आ गए। और इसी संविधान संशोधनों पर बात करने के लिए लगातार सुप्रीम कोर्ट में 13 न्यायाधीशों के पैनल ने 68 दिन तक बहस की। और जब 68वां दिन यानी 24 अप्रैल 1973 का वो दिन आया जिस दिन निर्णय आने वाला था, उस दिन बहस पैनल दो फाड़ हो गया, दो वर्गों में बट गया, 6 और 6 के। 6 न्यायाधीशों ने कहा कि संविधान में लिखा हुआ है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, यानी कि संविधान का निर्माता कौन है, भारत के लोग। जब भारत के लोग संविधान के निर्माता हैं तो वे उसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं। और भारत की जनता तो सीधे संसद में बैठती नहीं है, उनके द्वारा चुने हुए जो कैंडिडेट होते हैं वह संसद में पहुंचते हैं, तो उनके द्वारा चुने हुई जो संसद है वह संविधान में कुछ भी संशोधन कर सकती है। उन्होंने संविधान का ही सहारा लिया, उन्होंने कहा उसमें लिखा है भारत के लोग, और भारत के लोग कौन है, सांसद, और सांसद कौन है, संसद, और संसद कोई भी परिवर्तन कर सकती है, यहां तक कि वह संविधान को भी बदल सकती है, इतना अधिकार है, असीमित अधिकार प्रदान करने की पेशकश की गई 6 न्यायाधीशों द्वारा। लेकिन 6 न्यायाधीशों ने बागडोर संभाल ली भारत के लोकतंत्र की। बोले का कि क्या इन सांसदों को 100% वोट ने जिताया है, क्या सभी भारत के नागरिकों ने, उस क्षेत्र के नागरिकों ने, क्या सभी ने इसी सांसद को वोट दिया है।
अगर दो तिहाई बहुमत मिला है किसी सरकार को तो भाई एक तिहाई बहुमत का है, यानी कि एक तिहाई बहुमत ने इनको नहीं चुना, और नहीं चुना तो ये भारत के लोग नहीं है, और भारत के लोग नहीं है तो संविधान में संशोधन नहीं कर सकते। फिर क्या किया जाए, बहस हो गई दोनों तरफ, 50-50% वोट पड़ चुके थे, एक वोट बचा हुआ तेरहवा, और वो वोट था जस्टिस खन्ना का। जस्टिस खन्ना ने कहा आपकी बात भी सही है और आपकी बात भी सही है, हम बीच का रास्ता निकालते हैं, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन मौलिक ढांचा को चेंज नहीं कर सकती, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, मौलिक ढांचा है, उसको परिवर्तित नहीं कर सकती। बहुत ही सुंदर एक परिकल्पना मौलिक ढांचा की खन्ना साहब ने यहां प्रस्तुत की, और यही वो संरचना थी, वही एक कॉन्सेप्ट था जिसने भारत के लोकतंत्र की रक्षा की। अगर उस वक्त चेंज हो जाता तो 1975 में सभी लोगों ने उसका परिणाम देखा था। इंदिरा गांधी जी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान का इस्तेमाल करना चाहती थी और किया उन्होंने। आपातकाल जब राजनारायण की केस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्णय दिया और उनके चुनाव लड़ने की जो प्रोसेस था उसको गलत बताया, उसको रद्द कर दिया गया था, उस वक्त उन्होंने देश में आपातकाल लगा दिया। दो प्रश्न अभी भी भारत की जनता के सामने, भारत की न्यायपालिका के सामने और कानूनविदों के सामने थे कि अगर किसी भी सरकार को दो तिहाई बहुमत मिल जाए तो उसमें कितना अधिकार है कि भारत के संविधान में संशोधन कर सकता है, दूसरा मौलिक ढांचा है क्या, उसकी परिभाषा नहीं दी गई, क्योंकि उस वक्त न्यायाधीशों के सामने था कि एक बड़ा संकट टाला जाए, वो भी इंदिरा गांधी जैसा संकट। आपको बता दूं मैं, इंदिरा गांधी जी तब भी हार नहीं मानी थी, उसके बाद उन्होंने पूरा जज का पैनल चेंज कर दिया था, 40 देश भर में 40 न्यायाधीश बदल दिए गए थे, फिर उनकी एक कमेटी बनाई गई और कहा गया था कि केशवानंद भारती मामले को दोबारा उठाया जाए, फिर एक कानून का रखवाला मिस्टर पालीवाल खड़े हुए और उन्होंने कहा कि पुनर्विचार याचिका किसी ने डाली ही नहीं है, और अगर पुनर्विचार याचिका नहीं डाली है तो केशवानंद भारती मामला नहीं खुलेगा। फिर संविधान का सहारा लेकर उन्होंने भारत के लोकतंत्र को उन्होंने बचाया। ऐसे कानूनविदों की वजह से, कानून के जानकारों की वजह से हमारा लोकतंत्र बचा हुआ है। इंदिरा गांधी जी नष्ट करने के पूरे मूड में थी लेकिन भारत के लखवालों ने, भारत के कानूनविदों ने भारत के लोकतंत्र की रक्षा की। प्रश्न है कि दो तिहाई बहुमत मिलने के बाद क्या सरकार निरंकुश नहीं हो सकती, क्या सरकार तानाशाह नहीं हो सकती? वर्तमान सरकार भी वैसी ही है, प्रधानमंत्री जी का आचरण भी वैसे ही मिलता है और दो तिहाई बहुमत भी है, और इसका उदाहरण मिला था कॉलेजियम सिस्टम में, जब जज को चुनने का अधिकार भी संसद अपने हाथ में ले रही थी। अब बताइए आप, अगर जज ही न्यायपालिका जो कि संसद द्वारा बने हुए कानूनों का पुनर्विलोकन करती है वो ही अपने लोग बैठे हो तो कुछ भी कानून बना लो सब सही होगा, भारत की जनता के साथ जो कुछ भी हो वो होता रहेगा, लेकिन अपना राजनीतिक हित साधना चाहिए। हो सकता है कि आगामी सरकारें चुनाव को ही प्रतिबंधित कर दें संसद में परिवर्तित कर, जो एक बार बन गया वो आजीवन बना रहेगा, ऐसा भी चेंज कर सकते हैं अगर न्यायपालिका ना हो, कानूनविद ना हो। पहले कई केसों में ऐसा देखने को मिला है, भारत में आपातकाल भी देखने को मिला था, नए किस्सों के साथ, नई जानकारी के साथ, नए रोचक तथ्यों के साथ मैं फिर उपस्थित होऊंगा।
मैं विवेक शंगार पंचऋषि क्लासेस से, देखते रहिएगा पंचऋषि क्लासेस की वीडियोस। थैंक यू।